गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि आज से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, है ना। आज आपका फर्स्ट पेपर है हिंदी। पेपर देने के बाद आप लोग एक बार इस वीडियो को देखेंगे और इस पाठ पुस्तक का इस पाठ का नोट्स रेडी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी में लिख लेंगे। तो आज हम आपकी पाठ पुस्तक का बसंत का चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक खंड काव्य है बच्चों, जिस खंड का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कविता लिखी गई है, ठीक है ना। जिसके लिए कवि कौन है, नरोत्तम दास जी, है ना। और आपके इस पाठ पुस्तक की शीर्षक का नाम क्या है, सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र मतलब सुदामा जी के इसमें चरित्र का वर्णन किया गया है, है ना। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको खंड काव्य, खंड काव्य में खंड काव्य कविता लेखन की ऐसी विधा है जिसमें कविता के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें सुदामा चरित्र के एक ऐसी घटना है जिसमें सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका नगरी गए हुए हैं। इस कविता में उसी का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। सीस पगा न झगा तन में प्रभु जानो जाने को आसी बसे कही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानह को नहीं सामा द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ये बच्चों उस समय का वर्णन यहाँ पर इस कविता में किया गया है जब सुदामा जी किससे मिलने जा रहे हैं, द्वारिका नगरी श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने जा रहे हैं, है ना। और उनकी नगरी में पहुंचकर वो द्वारपालों से क्या द्वारका नगरी पहुंचकर वो द्वारकाधीश के महल के पास खड़े होकर जो द्वारपाल होते हैं उनसे क्या पूछ रहे हैं, ये इसी का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। शीश पगा न झगा तन पे, द्वारपाल श्री कृष्ण जी से जाकर क्या कहते हैं कि प्रभु प्रभु जो आदमी बाहर आया है उसके सर पे ना पगड़ी है ना ही तन पे कपड़ा है, ना जाने प्रभु वह किस ग्राम से किस गांव से यहाँ आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती जो है फटी हुई है और एक बिल्कुल जर्जर अवस्था में सुकड़ी हुई उसने दुपट्टे को लगा रखा है और ना ही उसके पैर में कोई जूते या चप्पल हैं, है ना। उसने कोई भी जूता चप्पल को नहीं पहना हुआ है। द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक, द्वार बाहर द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है और इस द्वारिकाधीश की नगरी को इस द्वारिका को बहुत उससे आश्चर्यचकित होकर देख रहा है और पूछत दीन दयाल को धाम। यहाँ दीन दयाल से मतलब बच्चों श्री कृष्ण भगवान से है, द्वारिकाधीश से है। और बार बार आप दीन दयाल जी का मतलब श्री कृष्ण भगवान जी का धाम पूछ रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। इस कविता में हम लोगों ने क्या जाना बच्चों, इस कविता में हम लोगों ने जाना कि सुदामा जी द्वारिकाधीश आ जाते हैं श्री कृष्ण जी से मिलने और द्वारिकाधीश से मिलने वो जब महल में जाकर के द्वारपाल से इतनी बातें पूछते हैं, है ना। और द्वारपाल उनका हुलिया वो कैसे हैं सुदामा जी, बिल्कुल दीन और बहुत ही दीन और निर्दयी हैं, पूरे कपड़े में उनके मैल लगे हुए हैं ना, कपड़े गंदे हैं, उनकी कैसी दशा है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है वो। और द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण भगवान जी को इतनी बात कहता है, है ना। अब यहाँ हम दूसरी कविता में क्या पढ़ेंगे, जैसे द्वारपाल जा करके श्री कृष्ण भगवान जी को बताता है कि अपना नाम वो शख्स सुदामा बता रहा है, तो श्री कृष्ण जी की यहाँ क्या हाल है। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जो थे बचपन के मित्र थे, है ना।
जैसे अगर आपके आपका कोई मित्र बहुत सालों बाद अगर आपसे मिलने आएगा तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी बच्चों? ऐसा लगेगा ना कि हम जल्दी से जाकर के उनसे मिलने। तो चलिए हम दूसरी कविता में क्या पढ़ेंगे। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। बहुत ऐसे बेहाल वियाइन सो, सुदामा जी की दशा बहुत ही दयनीय है। उनके पैर की एड़ियां जो है पूरी फटी हुई हैं, जो उनके पैर की एड़ियां पूरी फटी हुई हैं और उनके पैर की एड़ियों में कांटे लगे हुए हैं, और उन कांटों को कौन निकाल रहा है? भगवान श्री कृष्ण जी निकाल रहे हैं और बार बार क्या बोल रहे हैं, हाय मेरे मित्र तुम बहुत दुख पाए और इतनी दिनों से तुम कहाँ थे, कहाँ खो गए थे, है ना। देखी सुदामा की दीन दशा, भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देख देख कर बार बार विलाप कर रहे हैं। करुणा करिके करुणा निधि रोए, करुणा निधि यहाँ कौन है? करुणा निधि श्री कृष्ण भगवान है, और बार बार सुदामा की दशा को देख के भगवान श्री कृष्ण विलाप करके रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी जो परात का पानी था उनके पैर को धुलने के लिए जो लाया गया था, उस पानी की परात को श्री कृष्ण भगवान ने हाथ भी नहीं लगाया और अपने नयन के अश्रुओं से, अपने आंखों के आंसुओं से उनके पैर को पखार दिए, मतलब कि धो दिए, है ना। अब यहाँ किसका वर्णन किया गया है बच्चों? यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा जी को श्री कृष्ण द्वारिकाधीश क्या रहते कुछ समय बीत जाता है, तब क्या होता है ये सुनिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रखे कहो के ही हेतु। जब हम कभी किसी के घर घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग लेकर जाते हैं, है ना, चाहे वो मिठाई हो या फल हो। मतलब किसी के घर जब भी जाया जाता है, रिश्तेदार में या किसी फ्रेंड के यहाँ बहुत दिन बाद जाओ तो कुछ हम लोगों को लेकर जाना चाहिए, ऐसा रिवाज है ना। तो यहाँ पर भी सुदामा जी की जो पत्नी थी, है ना, वो क्या की थी, उनको 3 मुट्ठी चावल किसी से पड़ोस से भीख में मांग कर लाई थी और सुदामा जी को दे करके भेजती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों अपनी उस पोटली को, पहले क्या था, थैला नहीं चलता था ना, और वो उस एक कपड़े की पोटली में 3 मुट्ठी चावल को सुदामा जी को दी थी, है ना। तो वो पोटली को क्या कर रहे थे, बार बार अपने बाजुओं के बगल में दबा ले रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे वो, उनको देख करके, मतलब वो सोच रहे थे श्री कृष्ण भगवान इतने बड़े राजा हैं और उनके सामने ये छोटी सी कच्चे चावल की पोटली कैसे दे दूं, मैं कच्चा चावल कैसे दे दूं, है ना। इसलिए सुदामा जी अपनी पोटली बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि तुम पोटली को क्यों बगल में रखे हो और मुझे क्यों नहीं देना चाहते हो, ठीक है। फिर देखो क्या है, आग चना गुरु मातु दे तय ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम क्यों कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बाने में हो जू प्रवीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे भाभी के कंदुल कीन्हे। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर जब वो लोग गुरु संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो उस समय क्या गुरु माँ उनको चना देती हैं, क्यों, जब भूख लगेगी तो आप लोग खा लेना। गुरुकुल में जो भी विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे उनको काम दिया जाता था। तो ऐसी बारिश होने लगती है और गुरु माँ जो चना दी रहती हैं,
सुदामा जी क्या करते हैं, बारिश में बारिश से बचने के लिए पेड़ पर चले जाते हैं। सुदामा जी दूसरी शाखा में और श्री कृष्ण भगवान दूसरी शाखा में रहते हैं। जब भूख लगती सुदामा जी को तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो चने की पोटली से चना निकाल निकाल के खा लेते हैं। जब चने की आवाज आती है खाने की कट 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 कट, तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मित्र तुम क्या खा रहे हो? तो वो क्या कहते हैं, नहीं मित्र मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंड से मेरे दांत कट 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 की आवाज कर रहे हैं। सुदामा जी यहाँ पर झूठ बोल देते हैं। तो इसी बात का, पिछली बातों का वर्णन यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने किया है। क्या तुम पिछली बार की तरह गुरु माँ के दिए हुए चने खुद ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे? श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्री कृष्ण भगवान बार बार मुस्कुराकर सुदामा जी से कह रहे हैं, और तुम चोरी करने में तो बहुत ही महारत हासिल किए हो, और मेरी जो भाभी माँ ने मुझे पोटली दी थी उसको तुम अपनी बार बार बगल में छुपा ले रहे हो, और उस खोलत ना ही सुधा रस भी ने, और उस सुधा मतलब अमृत से भरा हुआ वो रसपान मुझे नहीं दे रहे हो। पिछली बार की तरह तुम इस बार भी भाभी के तंदुल मतलब दाने या अनाज नहीं देना चाहते क्या? फिर क्या है बच्चों, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहां भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हाँ आवत नाही हुटो वाही पठयो ढेली, अब कहियो समझाए कै बहुधन धरो सकेली। अब सुदामा जी की विदाई हो गई है, वो द्वारिकाधीश से अपने घर की ओर आ रहे हैं, है ना। तो क्या मनी मन क्या सोचते भी आ रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं और हमारी विदाई होती है, तो जब उस घर से हम विदा होते हैं तो उस घर के लोग हमें उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। यहाँ पर भी सुदामा जी की यहाँ श्री कृष्ण जी के महल से विदाई हो रही है ना। लेकिन श्री कृष्ण भगवान उस समय सुदामा जी को भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं देते। तो वही मन में सुदामा जी बार बार विचार कर रहे हैं कि वह पुलकनी कितने प्रसन्नता पूर्वक उठकर वह मुझसे मिलने आया, और कितनी आदर की बात की, और विदाई के समय गोपाल की वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी बात, और विदाई के समय भी गोपाल मेरी कोई भी बात को, प्रभु हरि मेरी किसी भी बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, घर घर ओढ़त फिरे, वो कहाँ से समझेगा। जो पहले क्या था, श्री कृष्ण भगवान माखन चुराने सबके घर घर जाया करते थे, वो कहाँ से मेरी भावनाओं को समझेगा जो खुद सबके घर जा जा करके थोड़ी सी दही की चोरी किया करता था। कहाँ भयो जो अब भयो, ऐसा क्या हो गया है जो अब हो गया है, हरि को राज समान, ऐसा क्या हो गया है जो पहले था अब नहीं, है ना। हो आवत नहीं हूं तो वाही पठयो ढेली, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, है ना। उनको क्या ग्लानी हो रही, मन ही मन क्या सोच रहे हैं वो, कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। चलो अब मैं अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, चलो मैं उनसे कहूंगा कि लो अब समेट करके, पूरे धन को समेट करके संभाल करके रखो, इतना दिया है प्रभु हरि ने कि अब तुम इसको संभाल कर रखो। ऐसा कौन विचार कर रहा है, सुदामा जी मन में विचार करते हुए रास्ते में आ रहे हैं। फिर क्या हुआ बच्चों, वैसोई राज समान बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परयो कहु मारग भूली कि फिरे कै मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलोकिवे को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहु ना कहु खोज ना पायो। जब सुदामा जी अपने गांव अपने घर आते हैं, अपने गांव में आते हैं,
तो वो क्या देखते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत बड़े 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 राजमहल खड़े हो गए हैं, है ना, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हो गई हैं, और यहाँ घोड़े और हाथी का मतलब घोड़े और हाथी हैं। उनके मन में ऐसा विचार आने लगा, या मैं मार्ग भूल गया हूं अपने गांव की पूरी दशा पूरी स्थिति को देख करके, क्योंकि उनका गांव जो था थोड़ा गरीब था, वहां झोपड़ियां हुआ करती थी। आज वो झोपड़ियों की जगह क्या बन गया है, इमारतें बन गई हैं, बड़े बड़े महल बन चुके हैं, वहां हाथी और घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो क्या बोल रहे हैं सुदामा जी, वैष्णव राज समाज बने, अरे उसी जैसा वहां द्वारिका में था वैसा यहाँ भी है, हाथी और घोड़े की आवाजें आ रही हैं, कहीं मैं अपना रास्ता तो नहीं भूल गया, या मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। मौन बिलो किवे को मन लोचत, वो बड़े बड़े भवनों को देखकर अपने गांव के बीच में आ गए हैं। और क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं पांडे का घर कहाँ है, और अपनी उस छोटी सी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं। फिर क्या होता है, कह वह टूट सी छानी हती, कह कंचन के अभी धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह ले गजराजहु दाढ़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटे, कह कोमल सेज पै नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप में दाख न भावत। सुदामा जी कह रहे हैं कि वह टूटी हुई झोपड़ी आज किसमें बदल गई है, सोने की हो गई है, और उनको वह टूटी हुई झोपड़ी कहाँ गई, और कंचन की जो कंचन जैसा महल, सोने जैसा महल है, वो भी उनको सुहा नहीं रहा है। कह पग में पनही न रहती, कभी ऐसा समय था कि उनके पैर में एक जूते या चप्पल कुछ नहीं हुआ करते थे, आज कहीं उनको जाना है तो गजराज हाथी को लेकर महावत उनके कहाँ द्वार पर खड़ा रहता है। पहले रात भूमि कठोर पे रात काटे, पहले जब वो उनकी अवस्था बहुत दयनीय थी, तब वो रात को ऐसे बिस्तर बहुत ये भूमि ना गद्दा था ना कुछ बिस्तरा, कोई बिछौना नहीं था, ऐसे ही भूमि पे सोकर वो रात काटते थे। आज उन्हें कोमल सेज कोमल बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही है। जे जुरतो नहीं कोदो सवा, कभी वो ऐसा समय था सुदामा जी का बच्चों कि वो कोदो और सवा मोटा अनाज भी की व्यवस्था भी नहीं कर पाते थे। आज प्रभु के प्रताप से, आज प्रभु की कृपा देखिए, श्री कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई है सुदामा जी के ऊपर कि वो किशमिश मेवे खा रहे हैं, है ना। तो कितना अच्छा था सुदामा जी का चरित्र, जब भगवान की जिस पर भी कृपा होती है तो सारे काम बहुत ही आसान और सरल हो जाते हैं। मैं आप लोगों को इसका प्रश्न अभ्यास का पीडीएफ बना करके सेंड कर दूंगी, और ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ओके, बाय।